नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव और आइए अब नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों पर। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एक दिवसीय दौरे पर सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली पहुंचे हैं। यहां उन्होंने मॉडर्न कोच फैक्ट्री का निरीक्षण किया। मोदी यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी प्रयागराज में कुंभ के लिए 366 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। दिल्ली से मुख्यमंत्री पद के दावेदारों का राजधानी रायपुर पहुंचने का सिलसिला रविवार सुबह से शुरू हो गया है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, ऑब्जर्वर बनाए गए मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेता लौटने लगे हैं। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। आज दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, इसके बाद फिर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। राफेल डील पर लगातार कांग्रेस के आरोपों के बीच भाजपा ने कहा कि हम विपक्षी पार्टी को बेनकाब करने के लिए 17 दिसंबर को 17 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भाजपा ने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की साजिश उजागर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए, एक जवान शहीद हो गया। इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 7 पत्थरबाज जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों को पुलवामा के सिरनू गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। 4 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के मामले में हिसार की अदालत में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल ने पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में चुनौती दी है। रामपाल और उसके बेटे वीरेंद्र समेत 15 दोषियों को हिसार कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे कमलनाथ किसानों की कर्ज माफी के सबसे बड़े मसले का समाधान शपथ ग्रहण के दिन ही उनके सामने रख सकते हैं। वे इस दिन कुछ घोषणाएं कर सकते हैं, इसमें वचन पत्र के वादों को पूरा करने की बात होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तूतीकोरिन में वेदांता ग्रुप की स्टार लाइट कॉपर प्लांट को बंद करने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। एनजीटी ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 3 हफ्ते के भीतर नया आदेश जारी करने का निर्देश भी दिया है। इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने कहा कि वे एनजीटी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। पाकिस्तान की लाहौर कोर्ट ने भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या के 2 मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया है। सरबजीत के साथ ही जेल में बंद आमिर टंडा और मुदस्सिर मुनीर पर उन्हें कई तरह से प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। 2013 में लाहौर के कोर्ट ने लखपत जेल में सरबजीत पर हमला किया गया था और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। आज निर्भया कांड के 6 साल पूरे हो गए हैं। निर्भया के गुनहगारों को फांसी पर कब लटकाया जाएगा, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। निर्भया के पिता ने कहा कि रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद अभी तक क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल नहीं किया गया है और ना ही दया याचिका दाखिल की गई है। इसके बावजूद अब तक निर्भया के गुनहगारों को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता है। केरल पुलिस ने रविवार को 4 ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को दर्शन के लिए साबरीमाला मंदिर में प्रवेश देने से रोक दिया है। 4 ट्रांसजेंडर में से एक ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन लोगों का उपहास किया गया, धमकी दी गई और पुलिस ने उनसे लौट जाने के लिए कहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्ड के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।